चमकीले। पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव दुगरी का एक लड़का जिसका नाम था धनीराम। घर में काफी गरीबी थी तो धनीराम ने छोटी सी उम्र में ही एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसे खाली वक्त मिलता तो वो गाना लिखना शुरू कर देता। उसे जरूरत थी तो सिर्फ एक उस्ताद की। वो उस्ताद भी आखिर उसे मिल ही गया। धनीराम के हुनर को देखकर उस्ताद ने उसे अपने साथ रख लिया और उसका लिखा गाना गाकर उस्ताद भी सुपरहिट हो गया। फिर धनीराम ने अपने लिखे गानों को खुद गाने का फैसला लिया और देखते ही देखते वो पंजाब का एक सुपरहिट सिंगर बन गया। ये सिंगर कोई और नहीं, ये था अमर सिंह चमकीला। लगभग 8 साल तक चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया और आखिरकार 8 मार्च 1988 को चमकीला अलगाववादियों की गोली का शिकार हो गया। इस वीडियो में मैं सुनाऊंगा आपको किस्सा धनीराम के अमर सिंह चमकीला बनने का। क्या थी चमकीला की पर्सनल लाइफ, कैसे चमकीला पंजाब ही नहीं दुनिया भर में बसते पंजाबियों में मशहूर हो गया। चमकीला की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि 365 दिनों में उसके 366 अखाड़े लगा करते थे। चमकीला का जादू ऐसा था कि उसके गाने पर श्रीदेवी भी खुद को स्टेज पर नाचने से नहीं रोक पाई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमर सिंह चमकीला, जिसे लोग इतना प्यार करते थे, कुछ लोगों की आंख का कांटा बन गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1988 में जब चमकीले को गोलियों से भून दिया गया तब उसके साथ 3 और लोगों की जान गई थी, जिनमें से एक थी अमरजोत कौर, जो चमकीले की साथी गायिका होने के साथ साथ उनकी पत्नी भी थी। चमकीले की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई में क्या हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। और चमकीले की मौत का असल कारण क्या था, इन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट, और ये है किस्सा चमकीले के पैदा होने से लेकर उसके इस दुनिया से चले जाने तक का। ये किस्सा शुरू होता है 21 जुलाई 1960 से, जब हरि सिंह के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है धनीराम। धनीराम की 2 बड़ी बहनें और 2 छोटे भाई थे। घर में काफी गरीबी थी, ऐसे में धनीराम ने अपने पिता की मदद करने की ठानी। बहुत कम उम्र में उसने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और लुधियाना की बलराज इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 7 दिसंबर 1975 को महज 16 साल की उम्र में ही धनीराम की शादी गुरमेल कौर से हो गई। शादी के बाद उसके घर 2 लड़कियां पैदा हुई। हालांकि धनीराम का सपना कुछ और था, वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहता था, जिसके लिए उसे जरूरत थी तो एक उस्ताद की। उस वक्त पंजाब में 3 सिंगर काफी मशहूर थे, कुलदीप मानक, सुरिंदर शिंदा और मोहम्मद सदीक। किसी वक्त सुरिंदर शिंदा के साथ काम करने वाले जगतार सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताते हैं कि 26 जनवरी 1978 वो दिन था जब उनकी मुलाकात पहली बार चमकीला से हुई। जगतार बताते हैं कि उसे पता चला कि मैं सुरिंदर शिंदा और मोहम्मद सिद्दीक जैसे गायकों के साथ काम करता हूं और मौके की तलाश में वो मेरे पास आया, जिसके बाद जगतार सिंह और सुरिंदर शिंदा के ढोलकी वादक केसर सिंह टिक्की ने शिंदा से उसकी सिफारिश की। मुलाकात के बाद सुरिंदर शिंदा को धनीराम में कुछ खास दिखा और उन्होंने उसे अपना शागिर्द बना लिया। हारमोनियम से लेकर तुम्बी तक धनीराम की काफी अच्छी पकड़ थी और धीरे धीरे वो सुरिंदर शिंदा की मंडली का एक खास हिस्सा बन गया। जहां भी सुरिंदर शिंदा का अखाड़ा लगता तो अखाड़े में दरी बिछाने से लेकर स्टेज सजाने तक का सारा काम चमकीला का ही होता था। धीरे धीरे सुरिंदर शिंदा के अखाड़े में उसे एक आध गीत गाने का मौका भी मिलने लगा। सुरिंदर शिंदा बीबीसी से बात करते हुए बताते हैं कि चंडीगढ़ में रामलीला के मौके पर उन्होंने ही धनीराम से खुश होकर उसका नाम अमर सिंह चमकीला रख दिया था। हालांकि धनीराम के बारे में कहा जाता है कि उसका कागजी नाम अमर सिंह ही था और बाद में उसके नाम के साथ चमकीला जोड़ दिया गया। पंजाबी में चमकीला यानी चमकता हुआ सितारा। चमकीला की किस्मत खुली जब सुरिंदर शिंदा ने 1977 के आसपास उसका लिखा पहला गीत गाया जिसका नाम था मैं डिगी तिलक के। गाना सुपर हिट हो गया, जिसके बाद सुरिंदर शिंदा ने चमकीला के लिखे कई गाने गाए। उधर चमकीला भी एक मौके की तलाश में था, क्योंकि उसका गोल भी आखिर एक बड़ा सिंगर बनना ही था।
फिर आया साल 1978-79। सुरिंदर शिंदा अपने शोज के लिए कनाडा गए। उस वक्त सुरिंदर शिंदा की जोड़ी सुरिंदर सोनिया के साथ थी, लेकिन वो कनाडा टूर पर सुरिंदर सोनिया की जगह गुलशन कोमल को ले गए, जिसके चलते सुरिंदर सोनिया काफी नाराज थी। एक इंटरव्यू में चमकीला के मैनेजर रहे कुलविंदर कुकी बताते हैं कि चमकीला को इसमें एक मौका दिखाई दिया और उसने सुरिंदर सोनिया, जो उस वक्त एक फेमस सिंगर बन चुकी थी, उन्हें अपने साथ गाने के लिए राजी कर लिया और 1980 में इन दोनों की पहली एल्बम रिलीज हुई, जिसका नाम था टकुए ते टकुआ खड़कू। चमकीले की पहली एल्बम ने ही उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। हालांकि उस वक्त सिंगर्स की ज्यादा कमाई डेली शो से ही होती थी, जिसे पंजाब में अखाड़ा कहा जाता है। खैर, सुरिंदर सोनिया और चमकीले ने एक साथ अखाड़े लगाने शुरू किए, लेकिन सोनिया उन्हें काफी कम पैसे देती थी, जिसके चलते चमकीला और सुरिंदर सोनिया का विवाद हो गया और आखिरकार ये जोड़ी टूट गई। इसके बाद चमकीला ने मिस उषा किरण और अमर नूरी के साथ भी मंच पर गाने गाए, लेकिन ये जोड़ी भी काफी देर तक नहीं चल सकी। चमकीला को एक ऐसी फीमेल सिंगर की तलाश थी जो उनके गीतों को उन्हीं के अंदाज में गा सके, और ये तलाश खत्म हुई अमरजोत कौर पर। अमरजोत कौर उस वक्त कुलदीप मानक के साथ गाती थी, लेकिन उनकी मानक के साथ जोड़ी टूटने के बाद उन्हें भी एक फेमस मेल सिंगर की तलाश थी, और इस तरह दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए, जिसके बाद इन दोनों की जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस जोड़ी ने 1981 में एक साथ गाना शुरू किया, जिसे पंजाब के लोगों ने काफी पसंद किया। चमकीला नहीं चाहता था कि अमरजोत कौर के साथ उसकी जोड़ी टूटे। ऐसे में उसने शादीशुदा होने के बावजूद अमरजोत कौर से दूसरी शादी कर ली। इन दोनों की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। हालांकि चमकीले के ज्यादातर गाने अश्लीलता की कैटेगरी में आते थे, जिसके चलते उनका विरोध भी शुरू हो गया, लेकिन पंजाब के आम युवा उनके गानों को काफी पसंद करते थे, जिसकी वजह से पंजाब के बाकी सिंगर्स का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। चमकीले का क्रेज ऐसा था कि लोग उसकी अवेलेबिलिटी की तारीख के हिसाब से ही अपने फंक्शन की डेट डिसाइड करने लगे थे, लेकिन पंजाब में वो दौर अलगाववाद का था और अलगाववादियों ने उन्हें धमकी दी कि चमकीला अश्लील गाने गाना बंद कर दे। चमकीला के साथ काम करने वाले कुलविंदर कुकी बताते हैं कि 1986 में चमकीला ने इन अलगाववादियों से माफी भी मांगी थी और अश्लील गाने गाने से तौबा कर ली थी, जिसके बाद चमकीला और अमरजोत कौर ने धार्मिक गाने भी गाए। उनके गाए 21 के करीब धार्मिक गाने काफी फेमस भी हुए, जिनमें बाबा तेरा ननकाना और तलवार में कलगी धर दी हां जैसे धार्मिक गीत शामिल हैं। चमकीला का क्रेज ऐसा था कि उनके गाए गानों की वजह से पंजाबी फिल्में हिट हो जाती थी। 1987 में पंजाबी फिल्म पटोला में चमकीले के गाए गाने पहले ललकारे नाल मैं डर गई काफी मशहूर हुआ और इस गाने की वजह से ये फिल्म सुपर हिट हो गई। उसी वक्त की बात है जब चमकीला एक शो के लिए कनाडा गया था। इस शो में बॉलीवुड के सितारे भी मौजूद थे, उनमें से एक थी बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रीदेवी। स्वर्ण सीविया एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब चमकीला स्टेज पर पहुंचा तो 10 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे, जिसे देखकर श्रीदेवी हैरान रह गईं। और जब चमकीले ने स्टेज पर गाना शुरू किया तो श्रीदेवी खुद को रोक नहीं सकी और उन्होंने स्टेज पर आकर नाचना शुरू कर दिया। ऐसा था चमकीले का क्रेज। लेकिन क्या किसी से चमकीले की दुश्मनी थी? इस सवाल पर चमकीले के मैनेजर कुलविंदर कुकी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस वक्त तक चमकीले को फिरौती के लिए धमकी भरी चिट्ठियां आनी शुरू हो चुकी थी और कईयों को तो पैसे भी दिए गए। उस वक्त तक चमकीले को मिल रही धमकियों की वजह से उनके साथ काम करने वाले कई कलाकार उन्हें छोड़कर जा चुके थे। चमकीला अपने साथी कलाकारों से कहता था कि चिंता मत करो, जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो गोली आखिर मेरे लिए ही आएगी, उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सिंगर तो मैं ही हूं ना। फिर आया 8 मार्च 1988 का दिन। फिल्लौर के पास महसमपुर गांव में चमकीले का अखाड़ा था। ये चमकीले की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। दोपहर 1:30 बजे के करीब चमकीला और अमरजोत कौर स्टेज से कुछ दूरी पर अपनी एम्बेसडर गाड़ी, जिसका नंबर 1786 था, से उतरते हैं। बस तभी 3 लोग AK-47 से उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस गोलीबारी में पहले अमरजोत कौर की मौत होती है, फिर अमर सिंह चमकीला पर कई गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसके बाद चमकीला भी दम तोड़ देते हैं।
इन दोनों के अलावा उनके साथ ढोलक बजाने वाले बलदेव सिंह और चमकीले के चौथे साथी हरजीत सिंह गिल की भी मौत हो जाती है। हत्या के वक्त का एक वाक्या पीटीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में चमकीले के स्टेज कोऑर्डिनेटर मनकू सुनाते हैं कि जब गोलियां चली तो वो एक कमरे में जाकर छुप गए। वो बताते हैं कि गोली चलाने वालों ने चमकीला की लाश पर एक चिट्ठी रखी और उसकी लाश के पास भंगड़ा डालने लगे। इस चिट्ठी पर लिखा था कि हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये नहीं माना। खैर, हत्या के वक्त चमकीले का एक साथी और था जिसे हाथ में गोली लगी थी और उसी ने फिल्लौर जाकर पुलिस को इत्तला दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक सब उजड़ चुका था। हत्या के वक्त चमकीले और अमरजोत कौर का छोटा बेटा रिपू महज एक महीने का था, लेकिन मां के गुजर जाने के बाद वो भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया और उसकी भी मौत हो गई। इस जोड़ी का एक बड़ा बेटा भी है जिसका नाम है जैमन और वो आजकल लुधियाना में रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कभी चमकीले के कातिल पकड़े गए और आखिर चमकीले को मरवाने के पीछे किसका हाथ था? सच्चाई ये है कि चमकीले की मौत के 36 साल बाद भी आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि चमकीले को मारने वाले आखिर थे कौन, और पुलिस ने इसे अलगाववादियों की हरकत बताकर केस की तफ्तीश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि चमकीले के कत्ल के पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का कहना था कि चमकीले को मरवाने के पीछे अमरजोत कौर के घर वालों का हाथ था और ये ऑनर किलिंग का मामला था, क्योंकि चमकीला दलित थे और अमरजोत कौर जट सिख। लेकिन चमकीले के मैनेजर कुलविंदर कुकी ने एक इंटरव्यू में इस थ्योरी का खंडन किया है। उनका कहना है कि इन दोनों की शादी परिवार की सहमति से हुई थी। दूसरी थ्योरी कहती है कि चमकीला की मौत के पीछे अलगाववादियों का हाथ था, लेकिन चमकीले ने 1986 में ही उनसे माफी मांग ली थी और उसके बाद चमकीले ने कोई अश्लील गाना नहीं गाया था। लेकिन प्राइम एशिया को दिए एक इंटरव्यू में चमकीले के साथ काम करने वाले सिंगर और लिरिसिस्ट स्वर्ण सीविया का कहना है कि HMV रिकॉर्ड की एक गलती की वजह से हो सकता है अलगाववादी चमकीले से नाराज हो गए हों। स्वर्ण सीविया का कहना है कि 1986 में अलगाववादियों से माफी मांगने के बाद चमकीले की एक एल्बम रिलीज होने वाली थी जिसमें चमकीले का एक अश्लील गाना था, लेकिन चमकीले ने एल्बम से वो गाना हटवाकर उसकी जगह नया गाना रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन HMV रिकॉर्ड्स की एल्बम के कवर पर नाम तो नए गाने का था, लेकिन अंदर चमकीले का अश्लील गाना डाल दिया गया था, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अलगाववादियों के निशाने पर आ गए। चमकीले की मौत का तीसरा कारण कुछ गायकों को बताया जाता है जिन्होंने अपना कॉम्पिटिशन खत्म करने के लिए उन्हें मरवा दिया। और चौथी थ्योरी कहती है कि एक फंक्शन में चमकीले का विवाद किसी से हो गया था जिसकी वजह से बाद में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन आज तक कोई भी थ्योरी सिद्ध नहीं हो सकी है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि पंजाबी गायकी का एक सितारा जो ऐसा चमका कि चमकीला हो गया और आखिरकार गोलियों की आवाजों ने इस गायक की गायकी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। चमकीला पर दिलजीत दोसांझ की मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और अगर आपको मूवी से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।